हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था या फिर एप्लीकेशन के बारे में बताया था। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वंडरशेयर के रिकवरेट सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप चाहें तो अपने USB ड्राइव या फिर अपने मेमोरी कार्ड या फिर अपने PC या लैपटॉप के ड्राइव के जो भी डेटा अगर आपका लॉस्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है या फिर फॉर्मेट हो चुका है, तो उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ज्यादा जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको डाउनलोड भी किया हुआ है, साथ ही साथ इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है। तो फटाफट से मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिकवरेट सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो हमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है डिलीट फाइल्स रिकवरी, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सीडेंटली फाइल डिलीट हो जाती है या फिर पावर फेलियर्स की वजह से डिलीट फाइल्स को भी यहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें सेकेंड ऑप्शन मिलता है रिसाइकल बिन रिकवरी, तो रिसाइकल बिन के अंदर से अगर हम फाइल्स को डिलीट कर देते हैं तो उसको भी हम बड़ी ही आसानी के साथ रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें थर्ड ऑप्शन मिलता है फॉर्मेटेड डिस्क रिकवरी, तो यहाँ पर हम अपनी फॉर्मेटेड डिस्क को भी रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ऑप्शन मिलता है लॉस्ट पार्टीशन रिकवरी, तो इस ऑप्शन की मदद से हम डिलीटेड पार्टीशन, हिडन पार्टीशन, लॉस्ट पार्टीशन या फिर रिसाइज पार्टीशन के डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमें फिफ्थ ऑप्शन मिलता है एक्सटर्नल डिवाइस रिकवरी, जिसकी मदद से हम चाहें तो अपने मेमोरी कार्ड को रिकवर कर सकते हैं, USB फ्लैश ड्राइव को रिकवर कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को रिकवर कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर रिमूवेबल डिवाइस को भी रिकवर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है जो कि वायरस अटैक डेटा रिकवरी है। अगर वायरस की वजह से आपकी कुछ फाइल्स करप्ट हो जाती हैं तो उसको भी हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें सिस्टम क्रैश डाटा रिकवरी का ऑप्शन मिलता है, तो इस ऑप्शन की मदद से हम अपने सिस्टम क्रैश डेटा को भी रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक लास्ट में और ऑप्शन मिलता है ऑल अराउंड रिकवरी, तो इसकी मदद से हम अपने किसी भी ड्राइव के डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अब चाहे वो सी ड्राइव हो या फिर डी ड्राइव हो या फिर ई ड्राइव हो या फिर आपका कोई SD कार्ड हो या फिर USB ड्राइव हो या फिर कोई अदर एक्सटर्नल स्टोरेज हो, तो सभी को यहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने SD कार्ड को रिकवर करेंगे। तो फटाफट से हम यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइस रिकवरी पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल SD कार्ड नहीं लगा हुआ। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपने SD कार्ड को अपने PC से कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा SD कार्ड पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब SD कार्ड को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी SD कार्ड मेरा बिल्कुल ही एम्प्टी है। मैंने इससे पहले इसमें कुछ फोटोज डाले थे तो उनको फिलहाल डिलीट कर दिया था। तो चलिए मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ फोटोज ले लेता हूँ और उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद उन्हीं फोटो को हम यहाँ पर रिकवर भी करेंगे। तो यहाँ से मैंने कुछ फोटोज ले लिए हैं और यहाँ से अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो SD कार्ड है वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर भी हम इस विंडो को ओपन ही रखते हैं और अब हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके अपने डेटा को रिकवर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो डेटा था वो रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे इमेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। तो फिलहाल हमने केवल अभी इमेजेस ही चाहिए, हमें पूरी तरह से अपने SD कार्ड को रिकवर नहीं करना। तो यहीं पर अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं। बाकी हमारे जो फोटोज हैं आप देख सकते हैं रिकवर हो चुके हैं। तो यहाँ से अब हम अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं और रिकवर पर क्लिक कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप चाहें तो 100 MB डेटा तक अपना फ्री वर्जन से ही डेटा रिकवर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना होगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो चाहें तो आप प्रो वर्जन इसका परचेज कर सकते हैं या फिर अल्टीमेट वर्जन भी परचेज कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा डेटा है वो इतना डेटा नहीं है कि हम इसे परचेज करें, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एवेल्यूट पे क्लिक कर देते हैं और अपने डेटा को रिकवर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अपने स्टोरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ भी हमें अपने डेटा को सेव करवाना है। तो यहाँ पर हमने SD कार्ड से डेटा को डिलीट किया था, तो फिलहाल हम SD कार्ड में इसको रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ से SD कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पर रिकवर पे क्लिक कर देते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो अब रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो मैंने SD कार्ड वाली विंडो ओपन करके रखी थी तो उसमें भी एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, रिकवर का जो प्रोसेस था वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने रिकवर डेटा को देख लेते हैं कि वाकई वो डेटा ठीक है या फिर वो डेटा करप्ट हो चुका है।
तो चलिए यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं एसडी कार्ड को। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे फोटोज थे वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, वो कोई भी फाइल लॉस्ट नहीं हुई है, ये सारे ही फोटो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी में ही रिकवर हो चुके हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप रिकवर इट सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने लॉस्ट डेटा को रिकवर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें जिससे कि हमारे आगे की जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो देखते रहिए माय टेक सपोर्ट चैनल को। थैंक यू।